एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, सारे भाई फिट होंगे। तो भाई, आज की वीडियो के टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। अक्सर भाई, मतलब देखो, हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग शीट लगा लेते हैं जब गाड़ी के अंदर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आने लग जाती है, रोड नॉइज़ आने लग जाती है, या फिर जब हमको अपने सिस्टम का ना अच्छा आउटपुट चाहिए होता है तब भी हम डैम्पिंग शीट लगाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये टेस्ट करने वाले हैं, क्या सच में डैम्पिंग शीट लगाने के बाद कुछ फ़ायदा होता भी है या बस पैसे ही खर्च हो रहे हैं इसमें। तो भाई, आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा कि गाड़ी के अंदर कितना फ़र्क आ चुका है, साउंड मतलब जो है ना अंदर आवाज़ कितनी जा रही है कैबिन के, सब टेस्ट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं भाई, गाड़ी मतलब मोस्ट ऑफ दी पार्ट गाड़ी का अच्छे से डैम्प है। फ्रंट से सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है, फ्रंट के अंदर हमने डैम्पिंग शीट लगा रखी है अपने पूरे बोनट में। उसके बाद अपने जो दोनों दरवाजे हैं फ्रंट के, उसे डुअल लेयर डैम्पिंग से हमने कवर कर रखा है, मतलब एक लेयर अंदर से लगी है, एक लेयर बाहर से लगी है। उसके बाद जो पीछे के दरवाजे हैं उसमें सिंगल लेयर डैम्पिंग है, मतलब देखो उसमें स्पीकर नहीं है इसलिए हमने सिंगल लेयर डैम्पिंग रखी है। तो ओवरऑल पूरी गाड़ी के जो मेन दरवाजे हैं जहाँ से आवाज़ सबसे ज़्यादा अंदर जाती है वो डैम्प ही होता है, बाकी जो नीचे का हिस्सा होता है ना वहाँ पे कंपनी की डैम्पिंग लगी रहती है। डैम्पिंग मतलब एक तरीके से पूरी मैट होती है, वो भी साउंड को रोक लेती है। तो चलो आज की वीडियो में हम टेस्ट करते हैं कि क्या होता है इस डैम्पिंग को लगाने के बाद गाड़ी के अंदर कितना फ़र्क आता है, और कैसे टेस्ट करने वाले हैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो भाई, मैं यहाँ पे एक ऐप का यूज़ करने वाला हूँ, और आप कोई सा भी ऐप यूज़ कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाके साउंड मीटर या कुछ ऐप की हेल्प से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और मेन बात ये रहने वाली ना भाई, सबसे मेन जो चीज़ मैं कह रहा था आपसे, सच में क्या जो इंजन नॉइज़ है, जैसे आपको बताओ था गाड़ी थोड़ा चल जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसका जो इंजन है और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं वो आवाज़ करने लग जाते हैं, स्पेशली जब गाड़ी रोड में चल रही होती है, अंदर एक रोड नॉइज़ ज़्यादा ही आने लग जाती है। क्या सच में उसमें फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, आज की वीडियो में सब पता चलने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से एक बार मैं आपको डैम्पिंग शीट्स दिखा देता हूँ, जो जो मतलब जो जो पार्ट विजिबल है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले बोनट से स्टार्ट करना चाहिए, यही होती है, इसको मतलब साइलेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने अच्छे से डैम्पिंग कर रखी है यॉर्कर्स की, काफ़ी अच्छी डैम्पिंग शीट है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको, अभी तक ये शीट बहुत अच्छे से लगी है, एक साइड से भी नहीं निकल रही है, मतलब ये अच्छी बात है। और अपना इंजन देख सकते हो, छोटा सा इंजन है पर पावर बढ़िया अपने को दे देता है, ठीक है जी। उसके बाद अपने दरवाजों पर चलते हैं, तो दरवाजों में आपको मैं इसी फ़र्क दिखा देता हूँ। ये अपनी साइड में कोई भी डैम्पिंग नहीं, आवाज़ सुनो, इस साइड में डबल डैम्पिंग है, इस साइड में सिंगल डैम्पिंग है, फर्क आ रहा है। और फिर से क्वार्टर पैनल पे आप आवाज़ सुन लो, बहुत फ़र्क आ चुका है। तो ऐसे इसमें कुछ डैम्पिंग हो रखी है। तो सबसे पहले ऐप खोलते हैं और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी एक बार साउंड रिकॉर्ड करते हैं, और फिर अंदर चलते हैं कैबिन में। गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट करेंगे कि अंदर बाहर में कितना फ़र्क आ रहा है। उसके बाद गाड़ी का जो एसी है, सबसे ज़्यादा एसी आवाज़ करता है, एसी को ऑन करके टेस्ट करेंगे, फिर गाड़ी को जो है यहाँ चला के देखेंगे, क्योंकि रोड भी ख़राब है तो अच्छे से यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा कि इसका मतलब कैसा आउटपुट है, ठीक है। तो ऐप मैं खोल लेता हूँ, और प्ले स्टोर से आपको ये ऐप मिल जाएगा, आराम से आप इसे डाउनलोड कर लो। अभी मैं इसको जैसे कि देख सकते हो, ऐप मैंने खोल के रख दिया यहाँ पे, तो मैं अभी जो है यहाँ पे इसको रख देता हूँ और छोड़ दूंगा, फिर देखते हैं कितना इसमें रिकॉर्डिंग आती है। तो जैसे कि आपने देखा, इसमें जो मैक्स रिकॉर्डिंग जा रही है वो 70 के आसपास चले जा रही है, क्योंकि इसलिए जा रही है, एक तो देखो यहाँ पे ना पेड़ हैं तो हवा चल रही है, कभी कभी जो यहाँ पे पक्षी हैं वो भी आवाज़ मतलब निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है ना इसमें 70 तक आवाज़ जा रही है। और सबसे इसमें कम जो जा रही है वो जा रही है आपकी इसमें 59 या 60 के आसपास गई थी, 59-58 ऐसी समथिंग गई है, 55 से नीचे नहीं गई है, ये मैंने अभी देख लिया है, ठीक है जी। अब यही चीज़ गाड़ी के अंदर टेस्ट करते हैं कि अंदर कितनी ज़्यादा आवाज़ आती है। गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ फ़ोन अंदर रख देंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि अंदर कितना मतलब जो नॉइस कैंसिलेशन है हो रहा है गाड़ी में। तो यहां पे फोन रख देते हैं अभी, और अब देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग कितनी आती है। सबसे कम रिकॉर्डिंग इसमें जा रही है 33 की, मतलब देख सकते हो कि अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा शांति हो जाती है गाड़ी की, और ये पता है पर्सनली बहुत ज़्यादा फील भी होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है जी। स्टार्ट करेंगे, खाली एसी ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टार्ट करके देखेंगे कि कितनी नॉइज आती है, फिर उसके बाद एक राउंड मारेंगे, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर मीटर रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है जी, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, और अब मीटर को जो है ऑन कर लेंगे और रख देंगे यहाँ पे।
तो जैसे कि देख सकते हो कि 51 के समथिंग समथिंग इसमें आवाज आ रही है, मतलब ठीक है, काफी कम है, क्योंकि पहले जो था ना तब भी ठीक आ रही है भाई, उतनी ज्यादा नॉइज नहीं है अभी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं जब हम गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, कि कैसा मतलब फर्क आ रहा है। रोड देख लो एक बार आप, रोड खराब ही है पूरी, मतलब कंकड़ है और गड्ढे हैं इस रोड में, तो अच्छे से पता चल जाएगा। ज्यादा स्पीड अटेन नहीं कर पाएंगे हम, मैक्सिमम इसमें 40-50 की स्पीड में रहेंगे, और फिर आप एक बार इसकी आवाज चेक करना कितनी इसमें आवाज आती है। तो अभी आप देख सकते हो रोड सीधी है बिल्कुल, पर रोड खराब बहुत ज्यादा है और यहाँ पे मीटर अपना सेट हो चुका है। तो अभी चलते हैं और फिर आप देखना। जैसे कि भाई आपने देखा, ये जो है मैक्सिमम अपना 80 के ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा 80 से ऊपर चले जा रहा है, और मिनिमम जो है ये ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है क्योंकि भाई रोड खराब है। बट देखो, अपने को ये नहीं दिखाना है कि मेरी गाड़ी में ये अच्छी बात है, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि डैम्पिंग शीट लगाने के बाद भी ये फर्क रहता है। तो अगर आपको चेक करना है तो अपनी गाड़ी में भी आप आराम से चेक कर सकते हो इस चीज को। अभी शीशे जो थे पूरे बंद थे, शीशे खुल जाएंगे तो आवाज डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे एसी को करते हैं ऑन और फिर देखते हैं कि अब कितना फर्क आता है। मैं एक बार शांत हो जाता हूँ तो मीटर एकदम मतलब कम हो जाएगा। तो मीटर कम हो चुका है, अब एसी को करते हैं ऑन और फिर टेस्ट करते हैं कि इतनी आवाज में फर्क आता है। तो जैसे कि आपने देखा 60 के अप्रॉक्स इसमें साउंड रह रही है, मतलब 60 के आसपास इसमें जो है डेसिबल में साउंड आ रही है अगर आप एसी ऑन कर लेते हो। अब बहुत से लोगों के लिए बहुत फर्क कुछ भी नहीं है, मतलब रियलिटी बोलूं मैं कुछ भी नहीं है फर्क, पर आपको मैं मतलब वैसे बताऊं ना, ऑल्टो के हिसाब से जितने इसके केबिन के अंदर आवाज आती है ना, ये काफी साइलेंट है, काफी ज्यादा। मतलब ये होता है कि अगर गाड़ी नई है तब तो उसका इंजन डेफिनेटली रिफाइन हो गई, खासकर जो BS6 गाड़ियां आ रही हैं उनका इंजन बहुत रिफाइन होता है, बहुत शांत होती हैं गाड़ियां। पर ये वाली जो होती है थोड़ा पुराना मॉडल होता है और ये थोड़ा ज्यादा आवाज करती है, मतलब इनके अंदर जो नॉइज है आ ही जाती है केबिन में कहीं ना कहीं से। तो अब देखो भाई, डैम्पिंग शीट लगाने का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको सिस्टम से फर्क पड़ता है और आपको थोड़ा और आप चाहते हो कि थोड़ा जो रोड नॉइज है कम हो जाए, डैम्पिंग शीट आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। पर आप ये मत समझना कि उसको लगाने के बाद आपको दुनिया से मतलब आप कट ऑफ हो जाओगे, जैसे बहुत लग्जूरियस गाड़ी में ऐसा होता है, आप जैसे उसको लगा लोगे दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें, आपको फर्क पता चलेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत आवाज जो है ना वो आएगी अंदर, डेफिनेटली आवाज आएगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से देखो, अगर एक गाड़ी को डैम्पिंग करने की बात आती है ना, तो कितनी कॉस्टिंग पड़ती है डैम्प करने की, मान के चलो फ्रंट के दरवाजे 1.5 शीट में कंप्लीट होते हैं इस वाली और गाड़ी की, मतलब 1.5 शीट बोले तो 1 शीट पूरी और 1 शीट आधी, और इधर की भी समथिंग ऐसी रहता है, पीछे आपकी 1 शीट में पूरा काम हो जाता है, बल्कि बच जाती है शीट, ठीक है, और फ्रंट में 1 शीट लग जाती है। आप कैलकुलेट कर सकते हो 3 शीटें फ्रंट के लिए, 2 शीटें पीछे के लिए और 1 शीट आगे के लिए, और 1 शीट की कॉस्टिंग जो रहती है अप्रॉक्स 500 की समथिंग रहती है। फिटिंग चार्जेस वगैरह वो शॉप पे जैसे आप जाएंगे पता चल जाएगा, बाकी आप अपने हाथ से फिट करो भाई, ये चीजें बहुत आराम से फिट हो जाती है। मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि अपने हाथ से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिकल काम नहीं है ना, तो कर सकते हो आप फिट इसे। तो भाई आज की वीडियो में आपको दिखाना था कि मतलब ये डैम्पिंग शीट लगाने के बाद कुछ फर्क आया है नहीं आया है। मेरे को अपनी गाड़ी में फर्क लग रहा है क्योंकि भाई मैं रोज यूज करता हूँ और मुझे पता है, और मैंने और जो इस लेवल की गाड़ियां, मतलब 2013 2012 2014 लेवल की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर बैठ के फील करा है, तो इसका कैबिन डेफिनेटली साइलेंट है उन गाड़ियों के कंपैरिजन में, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं ऐसी अगली किसी मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मीनिया शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।